हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलता है आपकी हर प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक की एक रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर। फेसबुक की दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है कि आपके अगर आपका कोई अकाउंट है फेसबुक पर तो आपको कोई भी मैसेज कर सकता है, तो वो किस तरह से हम हाइड कर सकते हैं, वो आज का हमारा आज की वीडियो का मोटिव है। क्योंकि कई बार ये होता है मैसेजेस से आप परेशान हो जाते हैं अगर आपको कोई भी मैसेज कर रहा है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही जो मैसेज का बटन जो आपके मोबाइल पर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। मैं पहले कोई भी नाम ऐसा सर्च कर लेता हूँ, कोई भी इंग्लिश नाम सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये नाम सर्च कर लिया और मैं आपको ये इनकी प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ, जैसे कि मैसेज का बटन है। तो ये आप अपनी प्रोफाइल आईडी से कैसे गायब कर सकते हैं, इसको गायब करने का एक तरीका होता है दोस्तों। जैसे कि इसमें इन्फॉर्मेशन में इनका लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी एज चेंज करके 13 से 18 के बीच में कर देंगे तो ये मैसेज का बटन जो है आपका हट जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आज आपको अपनी एज कैसे चेंज करनी है, उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पर, और फिर आपको जाना होगा सेटिंग्स में, पर्सनल अकाउंट्स में, मतलब जो है पर्सनल डिटेल्स में। डिटेल्स में अपने बर्थडे की यहाँ पर जो है आपको एज दिख जाएगी, इसको आपको एडिट कर देना है। जैसे कि मैं अभी इसलिए एडिट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रिसेंटली चेंज किया है। तो आपको एक बार रिसेंटली चेंज करना है और उसकी एज रखनी है 13 से लेकर के 18 के बीच में, मतलब आपकी एज कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ रखना है जिसमें आपकी एज जो है 13 से 18 के बीच में हो, और 13 से नीचे तो जो है गलती से भी मत कर देना दोस्तों, वरना आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि 13 से नीचे की एज का अकाउंट फेसबुक में अलाउड नहीं है, तो अगर आपने गलती से 13 की नीचे एज रख दी तो आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा। थैंक यू।